First class, this is your math subject. Children, today we are going to start the new chapter, chapter 4, numbers from 1 to 9. Okay. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Let's start our chapter 4. Children, on this page, you are given 1 to 4 numbers. You have to write them in your book. ओके यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अपनी बुक में पेज नंबर 23 आप निकालेंगे. सो यहाँ पर 1 से 4 तक नंबर नेम गिवन है. सो इन्हें आपको अपनी बुक में नोट करना है. ओके राइट करना है. नाउ कम्स नेक्स्ट पेज. सो यहाँ पर आपको बेटा 5 to 9 गिवन नंबर है नंबर नेम के साथ. ओके सो आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट देम ऑल्सो इन योर बुक. नाउ नेक्स्ट पेज पे आ जाए आप. प्रैक्टिस टाइम स्टार्ट हो रहा है हमारा 4.1. काउंट द ऑब्जेक्ट एंड इन सर्कल द करेक्ट नंबर इन ईच रो. आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिया हुआ है बेटा. ओके कैसे किया हुआ है, यहाँ पर बैग्स की पिक्चर है. फर्स्टली आप इन्हें काउंट करेंगे कितने बैग्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5. सो यहाँ पर आपको नंबर गिवन है 1, 5, 7, 9. सो आपने यहाँ कितने बैग काउंट किए हैं, 5. सो हम 5 पर सर्कल कर देंगे. ओके नाउ सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे, काउंट दीज हैमर्स एंड सर्कल द करेक्ट नंबर. सो काउंट करेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो हाउ मैनी हैमर्स, सो 6. ओके सो सर्कल द नंबर 6. सो आप यहां पर ऐसे इसको सर्कल कर देंगे. ओके नाउ यू हैव टू काउंट देम एंड सर्कल टू करेक्ट नंबर. सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस. ओके नाउ कम्स नेक्स्ट पेज. सो यहाँ पर बेटा आपको क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 26 पर आप देखेंगे, हेयर यू हैव टू राइट द काउंटिंग 1 to 10 इन ऑर्डर. ओके विच इज मिसिंग नंबर्स, दे हैव टू बी कंप्लीटेड. मीन्स आफ्टर 1 यू राइट हेयर 2. ओके यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप 2 लिखेंगे. नाउ ये हेयर यू राइट 3, हेयर यू राइट 4, 5 आपको गिवन है. देन यहां पर हम लिखेंगे 6. नाउ हेयर 7, 8, 9 एंड लास्ट इज 10. ओके सिमिलरली यू राइट नंबर्स इन योर बुक. नाउ कम्स नेक्स्ट पेज. सो यहाँ पर बेटा प्रैक्टिस टाइम गिवन है 4.2. एक्सरसाइज है आपकी 1-to-1 मैचिंग. मैच द ऑब्जेक्ट 1-to-1 इन द 2 कलेक्शंस विद लाइंस. ओके सो इन दिस पेज एज यू शोन इन द फर्स्ट क्वेश्चन, मैच बुक विद पेन. यहाँ पर मैच किया हुआ है बुक को पेन के साथ. मीन्स 1 बुक को 1 पेन गिवन है. ओके मैच करके दिखाया हुआ है. नाउ सेम यू डू मैच 1 चेयर टू 1 टेबल एंड कंप्लीट ऑल मैच. जैसे यहां पर हम कंप्लीट करेंगे बेटा 1 चेयर को 1 टेबल के साथ, देन 2nd चेयर को 2nd टेबल के साथ, सिमिलरली 3rd टेबल को 3rd चेयर के साथ. ऐसे ही आप अपनी बुक में मैच करेंगे इन्हें. ओके नाउ सेम यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ कम्स नेक्स्ट पेज. हेयर गिवन बिफोर एंड आफ्टर एंड बिटवीन.
ओके, आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करना है बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन का. ओके, नाउ अ नंबर विच कम्स बिफोर टू एनी नंबर इज कॉल्ड प्रीडिसियर्स. अगर हम किसी नंबर से पहले का नंबर, बिफोर क्या होता है बेटा, पहले. सो पहले का नंबर हमें फाइंड करना होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रीडिसियर्स बोलते हैं. एंड सेकेंड आप देखेंगे, अ नंबर विच कम्स आफ्टर टू एनी नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर. मीन्स अगर हम किसी नंबर के बाद का नंबर फाइंड करते हैं तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उस नंबर का सक्सेसर फाइंड कर रहे हैं. ओके, नाउ यहाँ पर आपको नंबर लाइन गिवन है. सो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम पूछे बेटा टू के आफ्टर, आफ्टर टू कौन सा नंबर आएगा हमारा, सो टू के बाद क्या है, थ्री है. ओके, सो टू के बाद हम थ्री लिख देंगे. बट अब हम पूछेंगे कि टू से पहले, मीन्स बिफोर टू विच नंबर, सो टू से पहले कौन सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, वन. सो आंसर इज वन. एंड बिटवीन का कंसेप्ट क्या होता है बेटा, हम पूछेंगे आपसे, जैसे यहाँ पर आपसे पूछा गया है थ्री कम्स इन बिटवीन टू एंड फोर, मीन्स टू एंड फोर के बिटवीन कौन सा नंबर है. यहाँ पर आपको नंबर लाइन पर शो हो रहा है टू एंड थ्री के बीच में कौन सा नंबर है, थ्री. ओके, सो दिस इज योर बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन कंसेप्ट. नाउ प्रैक्टिस टाइम स्टार्ट करते हैं 4.3. सो ए पार्ट आप देखेंगे बेटा, व्हाट कम्स बिफोर. सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चंस दिए गए 1 to 5. सो यहाँ पर आपको बताना है व्हाट कम्स बिफोर 4. सो 4 से पहले क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर नंबर लाइन से आपको शो हो रहा है 4 से पहले कौन सा नंबर है, 3. सो हम यहाँ बॉक्स में क्या फिल करेंगे, हम लिखेंगे 3. ओके, ऐसे जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आप अपनी नोटबुक में अपनी बुक में लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7. सो 7 से बिफोर, व्हाट कम्स बिफोर 7. सो विच नंबर, 7 से बिफोर कौन सा नंबर है, 6. सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6. सेम यू सॉल्व 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन. नाउ कम्स बी पार्ट, व्हाट कम्स आफ्टर. सो आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, आपको जो नंबर गिवन है उसके बाद मीन्स आफ्टर कौन सा नंबर आएगा. जैसे यहाँ पर व्हाट कम्स आफ्टर 3, सो 3 के बाद कौन सा नंबर है बेटा नंबर लाइन पर, 4. ओके, सो 3 के बाद कौन सा हम नंबर लिखेंगे, 4. या फिर हमने अभी सक्सेसर एंड प्रीडिसर्स पढ़े थे ना, तो आफ्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 में प्लस 1 कर देंगे, सो 4 आएगा. सेम आप सेकंड देखेंगे, 6 का हमें आफ्टर फाइंड करना है, सो 6 में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7. ओके, सो यहाँ पर हम 7 फिल कर देंगे. नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन. नाउ कम्स सी पार्ट, व्हाट कम्स इन बिटवीन. सो इन दिस क्वेश्चन आपको क्या करना है, 2 एंड 4 के बिटवीन कौन सा नंबर आएगा बेटा. सो यहाँ पर नंबर लाइन पर देखेंगे 2 एंड 4 के बीच में कौन सा नंबर शो हो रहा है, 3. सो हम यहाँ पर बॉक्स में कौन सा नंबर लिख देंगे, 3. ओके, नाउ कम सेकंड क्वेश्चन, 6 एंड 8 के बीच में कौन सा नंबर है, व्हाट कम्स इन बिटवीन 6 एंड 8. सो यहाँ पर नंबर लाइन पर देखेंगे आप 6 एंड 8 के बिटवीन कौन सा नंबर है, 7. सो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 7. ओके, नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व 3, 4 एंड 5 पार्ट. नाउ कम्स नेक्स्ट पेज, सो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर. इस पेज पे आपको क्या समझाया गया है बेटा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, देखिए आप ये अपनी पिक्चर बुक में देख रहे हैं पिक्चर, ये बच्चा जो है स्टेयर्स के ऊपर चढ़ रहा है. जैसे फर्स्ट स्टेयर पे लिखा है 1, देन 2, देन 3, देन 4. सिमिलरली काउंटिंग लिखी हुई है 9 तक. ओके, इट मीन्स ये इंक्रीज हो रहा है. ओके, जैसे ये 1 से 2 पे गया तो इंक्रीज हुआ हमारा नंबर, बढ़ा हमारा नंबर. ओके, नाउ 2 से ये 3 पे जाएगा, देन 4 पे जाएगा, इट मीन्स हमारे जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहे हैं. ओके, नाउ स्टार्ट प्रैक्टिस टाइम 4.4. सो ए पार्ट आप देखेंगे, राइट द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. यहाँ पर आपको नंबर लिखने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मीन्स नंबर को हमें बढ़ाना है. ओके, जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे फ्रॉम 1 to 5.
ओके सो 1 to 5 में फर्स्ट आप लिखेंगे 1, देन 1 के बाद क्या आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं ना हम, बढ़ते हुए क्रम में, इसको हिंदी में हम बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम में. सो 1 के बाद 2, ये इंक्रीज हो गया नंबर. 2 के बाद हम लिखेंगे 3, देन 4, देन 5. ओके 1 to 5 हमारे हो गए नंबर. नाउ सेम आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे फ्रॉम 4 to 7. सो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, देन 5, देन 6, देन 7. जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं ना ऐसे ही लिखेंगे, बट 4 से स्टार्ट करके 7 तक लिखेंगे. आपको एवरी बॉक्स में एवरी नंबर लिखना है. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, फ्रॉम 2 to 6. सो फर्स्ट बॉक्स में 2 लिखेंगे, सेकेंड में 3, देन 4, 5, 6. ओके सेम फोर्थ क्वेश्चन आप देखेंगे फ्रॉम 5 to 8. सो 5 से हम स्टार्ट करेंगे, 5, 6, 7, 8. नाउ कम्स बी पार्ट, राइट द मिसिंग नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. जो आपको मिसिंग नंबर है उनको आपको बॉक्सेस में लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर के थ्रू. सो फर्स्ट है 4. सो 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे आप स्टेयर्स पे देखेंगे 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, यू नो ना. सो 5. ओके सो 5 हम यहाँ पर पुट कर देंगे, देन 5 के बाद 6, 6 के बाद 7. ओके यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. नाउ कम सेकंड क्वेश्चन, 2 से स्टार्ट करना है, 2 के बाद 3, 4, 5. ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे 6 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7, देन 8, देन 9. नाउ फोर्थ क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा, फोर्थ के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 3. 3 के बाद हम क्या लिखेंगे, 4, 5, 6. ओके नाउ सी पार्ट, अरेंज द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो यहाँ पर आपको 4 सर्कल्स गिवन है, मीन्स 4 क्वेश्चन गिवन है. सो फर्स्ट आप देखेंगे 6, 5, 4, 7, 3. सो यहाँ पर इन नंबर को आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. सो फर्स्टली हम फाइंड करेंगे सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, विच इज स्मॉलर नंबर, 3. ओके सो 3 से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट लाइन पे जो हम लिखेंगे हम 3 नंबर लिखेंगे, देन 3 के बाद क्या है, 4, देन 4 के बाद 5. इट्स वेरी सिंपल. ओके देन 6 एंड देन 7. सो 7 इज लार्जेस्ट नंबर इन दिस बॉक्स. ओके नाउ सिमिलरली हम 2, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन करेंगे. ओके नाउ कम्स नेक्स्ट पेज, सो यहां पर बेटा आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है. सो आप अपनी बुक में पिक्चर देख रहे हैं, ये लड़की जो है ये स्टेयर्स से नीचे उतर रही है. ओके सो यहां पर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर सीख रहे हैं, मीन्स ये 9 से 8 पे गई, देन 7, देन 6, देन 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट इज 1. मीन्स हम नंबर्स को कम करते जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं. नाउ स्टार्ट प्रैक्टिस टाइम 4.5. ए पार्ट आप देखेंगे, राइट द नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो फर्स्टली आप देखेंगे फ्रॉम 5 to 2. ओके सो हमें यहाँ 5 से 2 तक नंबर्स लिखने हैं. सो फर्स्टली हम लिखेंगे 5. अब बेटा डिक्रीज हो रहा है तो हम नंबर में 1 माइनस करेंगे. इंक्रीज में क्या किया था, हम 1 प्लस करते जा रहे थे. नाउ यहाँ पे हम माइनस करेंगे, मीन्स 5 में 1 माइनस किया तो क्या आएगा, 4. ओके जैसे यहाँ पर आपको स्टेयर्स पे भी शो हो रहा है, 5 के बाद कौन सी स्टेयर्स पे गई है, 4 पे, देन 3, देन 2, देन 1. ओके सो यहाँ पर हम 2 तक फिल करेंगे, 5, 4. 4 के बाद हम क्या लिखेंगे, 3, देन 2. ओके नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, फ्रॉम 8 to 5. सो आप 8 से स्टार्ट करेंगे, 8, 7, 6 एंड 5. ओके नाउ सी बी पार्ट, राइट द मिसिंग नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो यहाँ पर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करने हैं. सो हम 9 से स्टार्ट करेंगे, 9 में 1 माइनस किया तो क्या आया, देखिए 9 के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं तो क्या आएगा, 8 आएगा. सो यहाँ पर हम फिल करेंगे 8.
नाउ नेक्स्ट हम करेंगे 7. नाउ नेक्स्ट क्या आएगा? यस 6. ओके नाउ सिमिलरली यू डू सेकेंड क्वेश्चन. 5 के बाद हम क्या लिखेंगे? 4, 3, 2. ओके नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व 3 and 4th क्वेश्चन. नाउ सी अरेंज द नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो यहाँ पर आपको 3 बॉक्सेस दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन गिवन है. सो फर्स्ट में आप देखेंगे ओवल शेप में कौन कौन से नंबर है, 5, 3, 4, 6 and 2. ओके सो इन्हें हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. मीन्स हम इनमें से सबसे पहला बड़ा नंबर छाटेंगे, विच इज बिगेस्ट नंबर. सो 6 इज बिगेस्ट नंबर. सो फर्स्टली हम राइट करेंगे 6. देन 5, देन 4, देन 3 एंड लास्ट इज 2. ओके नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व 2 and 3 क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ कम्स नेक्स्ट पेज. सो यहाँ पर आपको सीखना है बेटा ग्रेटर देन. ओके जैसे यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर आप देखेंगे, यहाँ पर पिक्चर ए में कितने बॉक्सेस हैं? 1, 2, 3, 4. कितने बॉक्सेस हैं? 4 बॉक्सेस हैं. नाउ सेकेंड पिक्चर में आप देखेंगे यहाँ पर कितनी डॉल्स हैं? सो 1 and 2 डॉल्स हैं. सो आप ये बताइए कि 4 आपका नंबर ज़्यादा होता है या 2 ज़्यादा होता है? ओके सो यहाँ पर हमारा कौन सा नंबर ज़्यादा है? 4. सो 4 इज ग्रेटर देन 2. सो इसको हम कैसे लिखेंगे? ग्रेटर देन का साइन होता है बेटा, देखो ये आपकी बुक में दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन. ओके सो इसको हम कैसे लिखेंगे? 4 इज ग्रेटर देन 2. ओके नाउ कम्स आवर एक्सरसाइज. फर्स्टली हम लेस देन देख लेते हैं बेटा. सो लेस देन में आपको यहाँ पर पिक्चर शो हो रही है. फर्स्ट पिक्चर यहाँ पर 2 बुक्स हैं एंड अदर पिक्चर में 4 पेन्स हैं. सो यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है. सो विच नंबर इज लेस? सो 2 नंबर इज लेस. सो लेस का कौन सा साइन होता है? लेस देन का साइन हम ये वाला यूज करते हैं. ओके सो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 less than 4. ओके नाउ इक्वल टू. अब आपको बेटा इक्वल टू का कंसेप्ट क्लियर करना है. इक्वल टू का मीन्स क्या होता है? जैसे यहाँ पर आपको साइन दिया हुआ है, इसको हम इक्वल टू रीड करते हैं. ओके सो फर्स्ट पिक्चर में आपके पास बॉल्स है. हाउ मेनी बॉल्स हेयर? 1, 2, 3 and 4. 4 बॉल्स. एंड सेकेंड पिक्चर में बैट्स हैं. सो हाउ मेनी बैट? 1, 2, 3, 4. सो बोथ आर इक्वल मीन्स 4 बॉल्स एंड 4 बैट्स हमारे हैं. सो 4 इज इक्वल टू 4 हम बोलेंगे. इसको हम लिखेंगे कैसे? 4 इक्वल टू का साइन पुट करेंगे देन 4. नाउ यहाँ पर आप एग्जांपल भी देखेंगे बेटा. 1, 2, 3, 4, 5. 5 चेयर्स है एंड अदर साइड 5 टेबल्स है. सो 5 इक्वल टू 5 हम लिखेंगे. नाउ कम्स नेक्स्ट पेज. सो यहाँ पर बेटा आपको एक्सरसाइज गिवन है 4.6. काउंट द कलेक्शंस एंड फिल अप विद लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के साइन. ओके सो फर्स्टली आप काउंट करेंगे जो भी आपको पिक्चर गिवन्स हैं एंड देन उनको उनका नंबर भी लिखेंगे. जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर आपको करके दिया हुआ है टमेटोज कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो हमने यहाँ पर लिख दिया 6. नाउ सेकेंड आप गिनेंगे, काउंट करें इन्हें. 1, 2, 3, 4, 5. सो कितनी पिक्चर्स है यहाँ पर? 5 है. ओके नाउ विच नंबर इज ग्रेटर? सो 6. सो हम ग्रेटर देन का साइन पुट कर देंगे. सो 6 इज ग्रेटर देन 5. नाउ कम्स सेकेंड. सो हाउ मैनी बसेस? 1, 2, 3. 3 बसेस हैं. सो फर्स्टली हम क्या करेंगे यहाँ पर? 3 लिख देंगे. ओके नाउ सेकेंड आप ये जो कार्स की पिक्चर्स हैं इनको काउंट करेंगे. 1, 2, 3 and 4. ओके सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 4. अब आपको बेटा फाइंड करना है 3 इज ग्रेटर या 4 इज ग्रेटर. सो मीन्स 4 इज ग्रेटर. सो हम यहाँ पर लेस देन का साइन पुट कर देंगे. इसको हम कैसे रीड करेंगे? 3 इज लेस देन 4. नाउ कम्स थर्ड क्वेश्चन.
हाउ मैनी पाइनएप्पल्स, 1, 2, 3, 4 and 5, सो वी राइट हेयर 5. एंड हाउ मैनी मैंगोज, 1, 2, 3 and 4, सो यहाँ पर हम लिख देंगे 4. सो विच नंबर इज ग्रेटर, 5, सो 5 पे हम ग्रेटर का साइन पुट कर देंगे. इसको हम कैसे रीड करेंगे, 5 इज ग्रेटर देन 4. ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4, 1, 2, 3, 4, 5, हेयर 5 डॉग्स. ओके, सो वी राइट हेयर 5. एंड सेकेंड हैंड, हाउ मैनी कैट्स, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, हाउ मैनी कैट्स, 6, सो वी राइट हेयर 6. नाउ विच नंबर इज ग्रेटर, 5 or 6, यस 6 इज ग्रेटर. ओके, सो इसको हम कैसे रीड करेंगे, 5 इज लेस देन 6. नाउ कम्स नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स, 8, सो वी राइट हेयर 8. एंड हाउ मैनी काइट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, आपको आराम से इन्हें काउंट करना है, मिस्टेक नहीं करनी है. सो आपको यहाँ पर 8 लिख देना, बिकॉज 8 काइट्स हैं. ओके, सो यहाँ पर बोथ नंबर्स 8 है, सो हम कौन सा साइन पुट करेंगे, बोथ आर इक्वल, सो हम इक्वल टू का साइन पुट कर देंगे. ओके, सो हम कैसे लिखेंगे, यहां पर 8 इक्वल टू का साइन पुट करेंगे. ओके, नाउ कम्स नेक्स्ट पेज, सो यहां पर बेटा आपको 0 का कंसेप्ट क्लियर करना है. फर्स्टली हम रीड करते हैं, राहुल सॉ अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री इन द गार्डन. राहुल जो है वो बर्ड को देख रहा है जो कि ट्री के ऊपर बैठी हुई है गार्डन में. ओके, ही वेंट नियर द ट्री टू कैच द बर्ड, वह ट्री के पास गया बर्ड को पकड़ने के लिए. बट इट फ्लू अवे, लेकिन वो उड़ गई. ओके, नाउ देयर इज नो बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, यहाँ पर अब कोई भी बर्ड नहीं रही क्योंकि वो उड़ गई. ओके, नाउ नेक्स्ट, वी से हेयर इज 0 बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री. हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कोई भी बर्ड नहीं है. 0 मीन्स क्या होता है, कोई भी. जैसे आपको आपके पास 2 टॉफीज हैं, आपने 2 खा ली, तो आपके पास कितनी बची, कुछ भी नहीं बचा, इट मीन्स 0. ओके, नाउ वी राइट 0 यूजिंग द न्यूमेरियल्स 0. यहाँ पर आपको शो हो रहा है ना, कैसे लिखेंगे हम 0 को, ऐसे लिखेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन गिवन है बेटा, हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द स्कूल बस. यहाँ पर स्कूल बस गिवन है, पिक्चर दिखाई दे रही है ना आपको स्कूल बस की. सो आपको बताना है कि स्कूल बस में कितने चिल्ड्रंस हैं. सो देयर इज नो चाइल्ड इन द स्कूल बस, यहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है स्कूल बस में, नहीं दिखाई दे रहा ना आपको कोई भी. सो इट मीन्स इसको हम क्या कह सकते हैं, देयर इज 0 चाइल्ड इन द स्कूल बस. ओके, नाउ मैथमेटिक्स ओलंपियड टेस्ट शीट गिवन है बेटा आपको. सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 1, 2, 3, -9 एंड 0 और कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरियस बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं, क्वाइन बोलते हैं, या बोथ ए एंड बी. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, द प्रेडिसियर्स ऑफ 6 इज, सो 6 का प्रेडिसियर्स क्या होगा, यह आपको फाइंड करना है. सक्सेसर, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, सक्सेसर ऑफ 3, 3 का सक्सेसर क्या होगा. नाउ क्वेश्चन 4, वर्ड कम्स बिटवीन 6 and 8. सो आपको ऑप्शंस भी गिवन है बेटा, ए बी सी डी, हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन है. आपको सही आंसर पर टिक करना है. यू डू दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ. ओके, नाउ कम्स एक्टिविटी. सो हेयर यू कैन सी दिस इज एक्टिविटी, यू डू इट योरसेल्फ. नाउ चिल्ड्रन, योर एक्सरसाइज इज ओवर. थैंक यू चिल्ड्रन.